ये कोई मदारी का खेल नहीं, ये कोई सर्कस की जगह नहीं है, बल्कि यह भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर। और मंदिर में तमाशा कर रहे यह व्यक्ति कोई साधारण लोग नहीं है, इस लोकतंत्र के सबसे मजबूत हिस्से हैं, यानी ये सभी के सभी इस सांसद भवन के सदस्य हैं। इनके इस रवैये को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश का लोकतंत्र आखिर कहां जा पहुंचा, जिस जगह को यहां का देशवासी पूज्यनीय मानता है, उस जगह पर अपने रवैये से इन्होंने पूरे देश को शर्मिंदा कर दिया है। संसद में पक्ष विपक्ष के यह अंदाज कोई नए नहीं है, ये लगातार कुछ सालों से सरकार के मुंह पर तमाचे की तरह पड़ रहे हैं। लोकतंत्र की यह दुर्दशा किसी एक ने नहीं बल्कि सभी ने मिलकर की है। संसद भवन के सबसे शीर्ष व्यक्ति यानी राज्यसभा के सभापति सर नायडू ने आज रोते हुए यह तक कह दिया कि लोकतंत्र के मंदिर में ऐसी दशा आज से पहले कभी नहीं देखी गई। इस दशा को देखने के बाद मैं आज पूरी रात सो भी नहीं पाया। लोकतंत्र के इस हाल का आखिर कौन है जिम्मेदार? पूरे देश का मजाक लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन में जो बनाया जा रहा है, विश्व पटल पर आखिर भारत की क्या छवि देखी जा रही है? संसदों का यह कृत्य आखिर कहां तक मान्य है? ऐसा कौन सा दिन देखने को मिल रहा है भारत और भारतवासियों को कि जहां उनके सबसे बड़े मंदिर, सबसे पूजनीय स्थल यानी संसद भवन, लोकतंत्र के मंदिर में वहां का सभापति ही रोते हुए नजर आ रहा है। आइए सुनाते हैं आपको कि रोते हुए नायडू सर ने आखिर क्या कहा। But it is for the government to act. The general and the presiding officer are seated is considered as the holy sanctum sanctorum of the house. A certain degree of sacredness is attached to this place. In our temples, devotees are allowed only up to this sanctum sanctorum and not beyond. Entering this sanctum sanctorum of the house in itself is an act of sacrilege. It has been happening as a routine for some time. I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. While some members sat on the table, some others climbed on the table of the house, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this august house to hit such a low yesterday. A discussion on agriculture problems and solutions for the state. There can be difference of opinion and there can be a specific demand from anybody. They could have discussed it in the house, protested and voted against that this thing. And you have got every right, members have got every right to demand for it withdrawal also. But it is for the government to act.